लॉ ऑफ थॉट्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे डिफेंस के बारे में विच इज अवेलेबल अगेंस्ट प्लेंटिफ विच इज अवेलेबल टू द थॉट फीजर रॉन्ग डूअर विच इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो आज जिस जनरल डिफेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। देखो एक्सीडेंट क्या होता है वी ऑल नो, लेकिन इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब होता है जिसे आप किसी भी तरह से घटित होने से रोक नहीं सकते हो। आपने पूरा एफर्ट्स लगाया, आपने ड्यू केयर कॉशन प्रॉपर रीजनेबल मैनर में एक्ट किया, लेकिन फिर भी वो चीज हो गया। तो इट इज नॉट इन योर हैंड, देयर इज नो फॉल्ट, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इट इज जस्ट अ मिसफॉर्चून। तो वही है इनएविटेबल एक्सीडेंट। एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट इज दैट which could not be possibly prevented by exercise of ordinary care, caution and skill। तो आपने पूरा एफर्ट लगाया, आपने पूरी सावधानी बरती, लेकिन फिर भी वो चीज हो गया। तो इट इज जस्ट अ मिसफॉर्चून, देयर इज नो फॉल्ट, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तो बेसिकली when an accident becomes unavoidable physically, जब हर तरह से उस पर आपका कोई वश नहीं होता है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो वो कहलाता है inevitable accident and it is a defense under law of torts। तो accident means an unexpected injury which is result of misfortune। और जब उसी एक्सीडेंट को हम अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, अपने पूरे केयर के साथ, सभी प्रिकॉशंस लेने के बाद उसे हम होने से बचा नहीं पाएंगे, तो वो कहलाएगा इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड इट इज अ डिफेंस अंडर लॉ ऑफ थॉट्स। ये क्या है? एक डिफेंस है लॉ ऑफ थॉट्स में। इट सर्व्स एज गुड डिफेंस एज डिफेंडेंट कुड शो दैट इंजरी कुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड इवन आफ्टर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस एंड देयर वाज नो इंटेंट, उसका कोई इंटेंशन नहीं था प्लेंटिफ को हार्म करने का। Right. So what is inevitable accident? An accident which takes place instead, in spite of taking all due care, precautions, safety, known as inevitable accident। और इसमें क्या होता है? जो defendant होता है उसका कोई intention नहीं होता है plaintiff को harm या plaintiff को injury पहुंचाने की। एक case है हमारे पास Stanley versus Powell। इसमें जो डिफेंडेंट था और जो प्लेंटिफ था, बोथ ऑफ देम वेंट टू द फीजेंट शूटिंग। फीजेंट बेसिकली एक बर्ड है, एक चिड़िया है विच इज हैविंग लॉन्ग टेल, जिसकी एक लंबी पूंछ होती है। तो उसका शिकार करने के लिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों जाते हैं। डिफेंडेंट फिक्स्ड हिज गन एट द फीजेंट, उस चिड़िया पर वो निशाना लगाता है, लेकिन जो बुलेट है मिसफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो बुलेट जाकर के एक ओक ट्री से टकराता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के प्लेंटिफ को लग जाता है, जिसके वजह से प्लेंटिफ को इंजरीज आती हैं। तो इस एक्सीडेंट को इनएविटेबल एक्सीडेंट माना गया और इसमें जो डिफेंडेंट था ही वाज नॉट लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन। रोड एक्सीडेंट्स भी इनएविटेबल एक्सीडेंट के ही एग्जाम्पल्स में आती हैं, राइट। अगर जो ड्राइवर है उसने पूरा प्रिकॉशन, पूरा सेफ्टी विथ ड्यू डिलीजेंस ही वाज ड्राइविंग एंड देन आफ्टर देन ऑल्सो एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट में आएगा। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या है? इट इज अ डिफेंस अवेलेबल टू दी डिफेंडेंट। ठीक है, केस है हमारे पास स्टैनली वर्सेस पावेल। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइवेट डिफेंस से डील करेंगे, फिर एक्ट ऑफ गॉड एंड देन नेसेसिटी, और उसके बाद हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉट से डील करेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, इन सभी टर्म्स को डिटेल में समझेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।